तुली लैब की गलत रिपोर्ट देने के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। समाज से भी विक्की दत्ता, तुली लैब व ईएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को दिया एक मांग पत्र। इन दिनों पूरे पंजाब में, पूरे देश में कोरोना का बोलबाला है और वहीं अमृतसर में तुली लैब का बोलबाला जारी है। तुली लैब का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक डॉक्टर गर्भवती महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद सरकारी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद से तुली लैब विवादों में घिर गया, जिसके बाद कई और समाज से भी लोग व कई लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद तुली लैब विवादों में गिरती चली गई, जिसके बाद समाज से भी विक्की दत्ता की ओर से भी तुली लैब के खिलाफ और ईएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ एक ज्ञापन अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए समाज से भी विक्की दत्ता ने बताया कि पिछले कुछ दिन पहले उसके ससुर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद में उसने अपने परिवार का कोरोना टेस्ट कराया तो उनके परिवार की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। आशंका जाहिर होने के बाद जब उन्होंने सरकारी टेस्ट करवाया तो उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई और उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि तुली लैब व कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर गरीब लोगों को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख चुके हैं। जी, मैं तुली लैब के विरुद्ध के नाल ईएमसी हॉस्पिटल ग्रीन एवन्यू दोनों के विरुद्ध कंप्लेंट देना आ। कारण तुहानू पहलों भी दस्या, कारण है कि जो नैगेटिव पॉजिटिव का नैक्सस शहर के चल रहा वो संबंध में जो मेरे परिवार के नाल धक्का होया, जो मेरे परिवार के नाल असी एक एक पल एक एक मिनट जो असी मर मर के जीए हैं, उस चीज़ का सानू पता है, मेरे परिवार को पता है, मेरे निके निके बच्चे ने, चलो सारे दे परिवार ने, सारे दे बच्चे ने, पर जो इन्होंने यह काम चलाया है इस काम को यह बंद करवाना पेगा, क्योंकि जे शहर वासियों को असी सेफ रखना है तो सारे लोगों को मैं अपील करांगा सारे ही इन्हों के खिलाफ बोलो, इस चीज़ को बंद किया जाए। आश्वासन की दिता जी कमिश्नर साहब ने, सानू आश्वासन दिता कि सेंटर गवर्नमेंट की गाइडलाइनस है, ये चिट्ठी मार्क की जाएगी सिविल सर्जन, मैं एक चिट्ठी सिविल सर्जन साहब के नाम भी लिखी हुई है, मैं आप भी देन जावांगा उन्होंने। उस तो अलावा असी हर उस जगह पर जावांगे जिते सानू न्याय की उम्मीद है, चाहे वह जिते नुमाइंदे ने, चाहे वह किसी भी पार्टी नाल संबंधित हो, चाहे वह सीनियर अफसर ने, सारे के ध्यान दे विच आ गल लिआंदी जाएगी, क्योंकि यह शहर के जो है नैक्सस चल रहा है, इस नैक्सस नूं असी खत्म करना चाहते हैं। न्याय ना मिले अगली कार्रवाई की, न्याय ना मिले असी सड़कों के उत्ते नंगे होकर लम्मे पवांगे, अस्पतालों के बाहर लम्मे पवांगे, तुली लैब के बाहर प्रदर्शन करांगे। लोगों को मैं मैसेज देना चाहना मैं कि जिदे को तुसी प्राइवेट टेस्ट करवाते जे नाल दे नाल एक सरकारी टेस्ट भी करवाओ, क्योंकि वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वह लेट आंदा है पर तुसी क्रॉस चैक जरूर करवाओ, तो किसी हस्पताल के झांसे भी ना आओ, ये सारे लुटन नूं बैठे जे करोना वायरस की आड़ दे विच। ईएमसी हॉस्पिटल के खिलाफ मैं इत्थे कंप्लेंट करन आया वां, जिन्होंने मेरे नाल जो करतूतां कीतियां ने, 11 तरीक की मेरी जो मेरे परिवार को 10 तरीक मैं दाखिल कराया, 11 तरीक में जी मेरी रिपोर्ट मेरे परिवार की नैगेटिव आई हुई है, 13 तरीक न जो टेस्ट करवाए गए थे जो नैगेटिव आई है और रिपोर्ट मेरे को बिल्कुल ईएमसी हॉस्पिटल लिखाई गई, जो रिपोर्ट पहलों कर देंगे शायद इतों तक नौबत ना आती, मैं भी सोचता मेरे परिवार के मैंबर ठीक हो गए ने। साढ़े को हूँ तक 3.5 लाख रुपया लिता गया, तकरीबन 2,85,000 तो 3,30,000 रुपया मैं हूँ तक दे चुका है, उस तो इलावा होर बिल देना बाकी है। विक्की जी एक गल होर, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तुली लैब वाले, उन्होंने कहा 20% कोरोना वायरस जी, मैं तुली लैब वालों की कुछ गलों के जवाब देना चाहना, उन्होंने कहा वै कि गाइडलाइन है गवर्नमेंट वालों, सरकार वालों गाइडलाइन लैब्स वालों है, सरकार वालों गाइडलाइन हस्पतालों नहीं है, रेट फिक्स नहीं किए गए उन्होंने, तुहाडे 4500 रुपये रेट फिक्स होने बाद भी तुम लोगों को किसी को 5500 लई जाते, किसी को 6000 लई जाते, किसी को 6500 लई जाते जी। उस तो बाद कल मैं डॉक्टर रोबिन तुली नूं सुनिया कि वह बोल रहे कि जिदी पॉकेट लॉ करती है वह ही जाता है, तो तुम भी उन्होंने लुटते हो जिदी पॉकेट लॉ करती है, बाकी लोगों तो तुम भी लागे नहीं लाते पे, उन्होंने गरीब लोगों भी करो ना दाखिल, उन्होंने भी करो टेस्ट, तुम इन्ने समाज सेवक जे कहना ट्रीटमेंट 6 घंटे कि ट्रीटमेंट इन्होंने को आ गया, जो 8-10 घंटों के ट्रीटमेंट आ गया कि जोड़ा वो ठीक कर देंगे ने, मैं दसो अमरीका वर्गी सरकार लभन डी है, होर सरकार लभदियाँ पे, इतने अमृतसर की कर रहे डॉक्टर तुली साहब या ईएमसी वाले हॉस्पिटल वाले, ये जान कि बाहर दूसरे मुल्कों में भी देन, सारी दुनिया का भला कर, इस वे जो महामारी के जो लोग दुखी ने, सारे देश दवाई लभ रहे हैं, जे इन्हों कोई इलाज है ठीक किया,
दिंदे क्यों नहीं? विक्की जी एक बहुत क्वेश्चन है, तुहाडी कोई भी वीडियो होवे उहनूं देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल करदे ने, उहनूं लाइक भी करदे ने, क्या लगदा कि देश दे प्रधानमंत्री नूं भी लैटर लिखोगे तां जो कि इस तरहां दे लोकां दे नट पाई जा सके? मैं भाजी बिल्कुल लिख चुका हां, मेरे कोल लैटर है प्रधानमंत्री जी दे नां दी, वी मैं पूरे प्रधानमंत्री तों लै के थले तक कौंसलरां तक जावांगा। मैं इह न्याय दी उम्मीद करनी है, मेरे कल्ले परिवार वास्ते नहीं, मेरे नाल जो हो गया मैं एक समाज सेवक हाँ, मेरा फर्ज बनता है मेरे परिवार ना ना भी होया हुंदा तां इस लड़ाई नूं मैं लड़दा, यह नहीं कि मैं अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा, सारा अमृतसर मेरा परिवार है, जिन्ने इत्थे लोग ने सब मेरे परिवार ने, असी अपनी जिंदगी नूं दाह दे ला के 85-86 दिन काम किया, तुली लैब वाले कहिंदे ने तुसीं हुण लगे जे रिस्क च आ गए, असी लॉकडाउन तो पहले तो लगे लोगों की सेवा च दिन रात लगे रहे हैं, अपने घरों तो बाहर रहे हैं असी 85-85 दिन, अज कपड़े पा के देखे है सारी 3 महीने असी अपने NGO के कोस्ट्यूम के कट्टी है, ना कोई लग्जरी गड्डी, ना कोई AC, ना कोई कुछ, असी मंजे डाह के अपने वक्रे सारा जिनी टीम है सारी टीम वक्री रह के लोगों की सेवा कर रहे हैं, साढ़े तो ज़्यादा सेवा किन्ने करनी है? लगता नहीं कि जे इस तरह के डॉक्टर थानू डीमोरलाइज करेंगे तो उस तो बाद तुम भी कामयाब लोगों वास्ते सोशल वर्क करते हो, घटेगा इस तरह? जी बिल्कुल घटेगा, पर जिन्ना मर्जी डीमोरलाइज कर सू असी अपनी जगह पर खड़े हैं, साडा सोसायटी का काम उस तरह रहेगा, मेरे परिवार के मैंबर से भसूड़ी आई कुछ दिनों के लिए, इन्होंने पैनिक क्रिएट किया, मैं लिख के भी पाया कि असी दोबारा सेवा शुरू रखी नाल दे नाल, जिते जिते सैनिटाइज की लोड़ पई है साडी टीम वालों किया जा रहा, अज भी यह जिन्ना मर्जी डीमोरलाइज करन असी अपने संतुलन हजे तक नहीं खो पाए, असी लोगों की सेवा वास्ते कल भी हाजिर सज भी हाजिर हाँ, तो अगों भी हाजिर रहेंगे। मैम आज आपने जो ज्ञापन दिया है क्या कहना चाहेंगे, जो तुली लैब के खिलाफ दिया है क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूं, कोई और ना ऐसा हो, इसलिए थोड़ी कार्रवाई इनके करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ऐसा भविष्य में नहीं हो सकता? बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप ऑफिस होने से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी रहने वाले हैं, वो आपके इलेक्शन भी लड़ते हैं, क्या कहना? I want free justice from government. Bureau report, Jainhiteshi.